हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे डाइमेंशनिंग लाइन के बारे में। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग रीड करना है, तो इसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप सभी को अमेजिंग ज्ञानटेक में। स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाइमेंशनिंग से। फर्स्ट में देखेंगे एंगुलर यूनिट मीन्स एंगुलर डायमेंशन कैसे रहता है और कैसे रीड करते हैं उसको। देखो, एंगुलर डायमेंशनिंग सिंबल कुछ डिग्री, मिनट और सेकेंड पे रहता है। यहाँ पे उसका सिंबल आप देख सकते हो। ये सभी का यूज एक एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट में जो है आपका ओनली डिग्री और मिनट यूज हुआ है, 25 डिग्री और 15 मिनट। नेक्स्ट सेकेंड में आप देख सकते हो उसमें 25 डिग्री, 30 मिनट और 45 सेकेंड। डिग्री, मिनट और सेकेंड, ये तीनों यूज हुआ है। नेक्स्ट थर्ड ड्राइंग में ओनली डिग्री का यूज हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो 25.6 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ ड्राइंग में तीनों का यूज हुआ है, 0 डिग्री, 0 मिनट और 45 सेकेंड। नेक्स्ट फिफ्थ ड्राइंग में आप देख सकते हो ओनली एक ही यूज हुआ है, 0.75 डिग्री। तो ये तो था कुछ कॉमन डायमेंशनिंग एंगुलर का कैसे यूज हुआ है और कैसे रीड करना है। हमेशा याद रखना है, कोई भी एंगुलर यूनिट में आपका उसका रहता है डिग्री, मिनट और सेकेंड, ये तीनों का यूज होता है। कोई भी एंगुलर डायमेंशनिंग में डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, उसका सिंबल आप और एक बार देख लीजिए, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो ये तो हो गया एंगुलर डायमेंशनिंग। नेक्स्ट मिलीमीटर डायमेंशनिंग मीन्स एमएम में डायमेंशन कैसे लगाते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। एमएम डायमेंशन लिखने का टाइम अगर आपका डायमेंशन 1 mm से कम रहता है तो उसका यूज कुछ इस तरह रहता है, आप देख सकते हो। और अगर 1 mm से ज़्यादा रहता है तो उसका रिप्रेजेंट कुछ इस तरह रहता है, आप दोनों का कंपेयर कर सकते हो। और भी बहुत सारा डायमेंशन का यूज होता है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, आप सभी को ये वीडियो इजी लग रहा होगा, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग रीड करने के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट में कैसे डायमेंशन रिप्रेजेंट होता है, कैसे रीड करना पड़ता है वो जानना पड़ेगा। उसके बाद आप इंजीनियरिंग ड्राइंग रीड कर सकते हो। तो ये सभी का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारा अमेजिंग ज्ञानटेक में मिल जाएगा। नेक्स्ट डिसिमल और इंच डायमेंशनिंग, ये टाइप का डायमेंशनिंग सेम रहता है एमएम जैसा। इस टाइप का डायमेंशनिंग सिस्टम में अगर आपको कोई भी डायमेंशन रीड करना है तो डायरेक्ट इंच में रीड कर सकते हो, नहीं तो उसको एमएम में कन्वर्ट करके रीड करना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो डिसिमल और इंचेस डायमेंशन कैसे यूज हुआ है और कैसे रिप्रेजेंट हुआ है, जैसे कि 0.215, 0.314, 0.75, 0.50, 0.750 और डायमीटर का जो भी दिया है 0.745 डायमीटर, ऐसे ये सभी को आपको इंचेस में यहाँ पे दिया है, आपको एमएम में कन्वर्ट करके रीड करना है, नहीं तो यहाँ पे जो दिया है जैसे रीडिंग वैसे ही रीड कर सकते हो आप डायरेक्ट। नेक्स्ट है डायमीटर। देखो, कोई भी कंपोनेंट में डायमीटर टाइप का प्रोफाइल रहना कॉमन है। अगर उसका ड्रॉइंग देखेंगे तो डाया का सिंबल रहता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। उसका एग्जांपल आप देख सकते हो कैसे ड्राइंग में डायमीटर कैसे रिप्रेजेंट हुआ है, उसका सिंबल, उसके बाद उसका वैल्यू, वहाँ पे आप एमएम और इंचेस में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हमको कोई भी कंपोनेंट का रेडियस रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको सिंपल आर, उसके बाद रेडियस का वैल्यू लिखना है। आप इंचेस में लिख सकते हो और एमएम में भी लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको आर का सिंबल यूज करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो रेडियस का सिंबल यूज कैसे हुआ है। नेक्स्ट है राउंड होल। इस टाइप का प्रोफाइल मोस्ट कॉमन रहता है कोई भी कंपोनेंट में, और इसका ड्राइंग आप मैक्सिमम देखा ही होगा, लेकिन और एक बार देख लीजिए, राउंड होल का जो डेप्थ रहता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से पूछता है, और उसका डायमीटर और उसका डेप्थ का सिंबल भी रहता है कैसा, एक बार देख लीजिए। मान लो यहाँ पे एक राउंड होल दिया होगा, उसका डायमीटर 12 mm और वहाँ पे डायमीटर 12 mm विथ थ्रो लिखा होगा, तो वहाँ पे उसका डेप्थ पूछा नहीं, डायरेक्ट थ्रो लिखा है वहाँ पे। सेकेंड ड्रॉइंग का डायमीटर 8 mm पूछा है और उसका डेप्थ वहाँ पे देख सकते हो 16 mm। उसका सेक्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे डायमीटर 8 mm और डेप्थ आपका 16 mm, मीन्स हॉल का जो फ्लैट जहाँ से पूछा है फ्लैट से उसका टॉप तक डेप्थ होना है 16 mm। नेक्स्ट यहाँ पे एक साइड ड्राइंग देख सकते हो जिसमें हॉल का डायमीटर 5 mm दिया है, लेकिन उसका डेप्थ यहाँ पे नहीं दिया है, उसका फ्लैट से नीचे का एक राउंड कंपोनेंट का नीचे तक कितना रहना चाहिए, 15 mm।
ये भी एक रिप्रेजेंट करता है डेप्थ कैसे रहना है कोई भी राउंड कंपोनेंट में। उसका एक 3D मॉडल ड्राइंग यहाँ पे आप देख सकते हो। मान लो 7 mm दिया होगा डायमीटर, उसका सिंबल डेप्थ दिया है 10 mm, और मान लो 4 mm डायमीटर दिया होगा तो यहाँ उसका डेप्थ यहाँ पे 6 mm, उसका सिंबल कैसे दिया है डायरेक्शन। ऐसे नहीं कि हमेशा जेड डायरेक्शन में रहेगा, 3D में आपका जेड डायरेक्शन में नहीं रहता है, आपका सिंबल ओनली ऐसा रहना चाहिए कोई भी डेप्थ में। नेक्स्ट डायमेंशनिंग टाइप में काउंटर बोर हॉल, देखो इसका यूज होता है जनरली स्क्रू हेड के लिए, मैक्सिमम असेंबली पार्ट में रहता है। काउंटर बोर का सिंबल कैसे रहता है और अगर कॉर्नर पे 1 mm रेडियस पूछा होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक बार अच्छा से देख लीजिए। तो फर्स्ट में जो आपका दिया है वहाँ पे आपका काउंटर बोर, उसका डायमीटर दिया है 7 mm और उसका सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हो एक यू शेप जैसा रहता है उसका सिंबल है, और उसका डायमीटर काउंटर बोर का 14 mm। तो आपका डायमीटर सिंबल दिया है 7 mm, वो हो गया आपका हॉल का डायमीटर, और वहाँ पे जो सिंबल दिया है उसके बाद जो डायमीटर दिया है वो हो जाएगा आपका काउंटर बोर का सिंबल। अगर नीचे रेडियस चाहिए तो आप वहाँ पे आपको R1 R2 लिखना पड़ेगा। तो कंप्लीट लिखा होगा एक डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हो, डायमीटर 6 मीन्स आपका 6 mm हॉल है, उसके बाद काउंटर बोर का सिंबल डायमीटर 10, काउंटर बोर का डायमीटर आपका 10 mm, उसके बाद जेड जो डेप्थ दिया है यहाँ पे 3 mm, उसके बाद R1 मीन्स आपका उसका कॉर्नर नीचे का जो कॉर्नर रहेगा 1 mm। ये एक कंप्लीट ड्राइंग है काउंटर बोर यूज का। और अगर मल्टीपल काउंटर बोर दिया होगा उसका ड्राइंग यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें आपका जेड का डेप्थ कैसे रहता है 3 mm, 10 mm, 13 mm, और सिंपल यहाँ पे एक डायमीटर देख सकते हो 4 mm डायमीटर जो हॉल रहता है, उसके बाद फर्स्ट काउंटर हॉल आपका 6 mm डायमीटर का और कॉर्नर रेडियस 1 mm, नेक्स्ट सेकेंड वाला काउंटर डायमीटर आपका 10 mm और उसका कॉर्नर रेडियस सेम 1 mm। तो इस तरह रिप्रेजेंट रहता है मल्टीपल काउंटर बोर के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है काउंटर बोर के लिए, उसमें हमेशा सरफेस से आपका जो डेप्थ दिया होगा वो 90 डिग्री पे रहता है। अगर वहाँ पे कुछ एंगल दिया होगा तो वो हो जाएगा आपका काउंटर सेकिंग। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना, जहाँ पे डेप्थ आपका 90 डिग्री पे दिया है वो हो जाएगा आपका काउंटर बोर हॉल। नेक्स्ट है काउंटर सिंक हॉल। काउंटर सिंक हॉल आपका सेम काउंटर बोर हॉल जैसा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ओनली एंगल प्रोवाइड रहता है, जैसे कि मोस्ट कॉमन एंगल आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 82 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसा मोस्ट कॉमन एंगल रहता है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। मान लो एक डायमीटर दिया है आपका 6.8 का ड्रिल दिया है, उसके बाद आपका जो काउंटर का जो मेजर डायमीटर है वो डायमीटर 10 mm और उसका एंगल 90 डिग्री। सेकेंड ड्राइंग में आप देख सकते हो 6.8 डायमीटर हॉल है, डेप्थ 20 mm है, और उसका नीचे जो दिया है वो हो जाएगा आपका काउंटर सिंकिंग का सिंबल, एक एंगल में रहता है, एंगल यू जैसा रहता है। उसके बाद उसका डायमीटर दिया है 10 mm इंटू 90 डिग्री, मीन्स आपका 90 डिग्री एंगल दिया है। और एक एक कंपोनेंट आपका राउंड रहता है और उसका ऊपर भी आपका काउंटर सिंकिंग हॉल रहता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फोटो। कॉर्व सरफेस, माइनर डाया और मेजर डाया रहता है उसका। नेक्स्ट अगर स्पॉट फेस हॉल दिया होगा उसका ड्राइंग यहाँ पे आप देख सकते हो। मान लो डायमीटर 4 mm हॉल है, उसके बाद SF वहाँ पे लिखा होगा आपका SF लिखा होगा तो वो हो जाएगा आपका स्पॉट फेस हॉल, और उसका डायमीटर 20 और R आपका 2 mm दिया है। ओके, ये तो था कुछ आपका काउंटर सिंकिंग का ड्राइंग। नेक्स्ट है इंटरनल चैम्पर और एक्सटर्नल चैम्पर। ये एक मोस्ट कॉमन प्रोफाइल है जिसका डायमेंशनिंग कुछ इस तरह होता है। दोनों ड्राइंग यहाँ पे आप देख सकते हो, एक में दिया है 60 डायमीटर और उसका टोटल एंगल कितना 90 डिग्री दिया है, सेकंड में 60 डायमीटर उसका साइड से एंगल 45 डिग्री दिया है। ये हो गया आपका इंटरनल चैम्पर। और एक्सटर्नल चैम्पर के लिए क्या होगा, आपका कोई भी शार्क कॉर्नर को चैम्पर पूछता है तो डायरेक्ट उसका एक एंगल और कुछ डायमेंशन देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक 2 and 2 दिया है पॉइंट से डिस्टेंस, और एक 60 डिग्री एंगल और 2 mm का उसका डिस्टेंस दिया है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल चैम्पर। तो अभी हम जितना भी डायमेंशनिंग सिस्टम देखा है उसका कंप्लीट यूज देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट में आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम। इसमें क्या रहता है, एक बॉक्स का उसका डायमेंशनिंग 1 base, इसको बोलते हैं डाटम फेस। एक फेस से डिस्टेंस उसका हॉल का जो डिस्टेंस पूछा है, और ये वाई और एक्स दोनों का 1 face से ही पूछा है डिस्टेंस। ये एक डायमेंशनिंग सिस्टम। राउंड कंप्लीट रहेगा तो हॉल टू हॉल डिस्टेंस कैसे रहता है
यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है विदाउट डायमेंशनिंग लाइन। देखो कोई भी ड्राइंग में अगर डायमेंशनिंग लाइन रहेगा उसके बाद कुछ रीडिंग रहेगा तो आपको इजी रहेगा उसको रीड करने के लिए, बट एक एक ड्राइंग में डायमेंशनिंग लाइन नहीं रहता है तो उसको कैसे रीड करना है एक बार देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया है, उसमें बहुत सारा ड्रिल होल्स है, ये ड्रिल होल्स रिप्रेजेंट हुआ है ए बी सी डी करके, और वहाँ पे बेस लाइन दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो लाइन, जो जीरो लिखा है वो हो गया आपका बेस लाइन दोनों। तो ये फेस से उसका डिस्टेंस कितना, मान लो सी हॉल को उसका फेस से डिस्टेंस 5 mm रहेगा, अगर हम वाई में देखेंगे तो 21 mm। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे और एक एग्जांपल यहाँ पे सी हॉल, ये वाला सी हॉल देखेंगे तो उसका एक्स में डिस्टेंस कितना 30 mm और वाई में सेम 21 रहेगा। मान लो हमको बी हॉल देखेंगे, एक्स में आपका 79 वाई में 11 रहेगा, ये हो गया उसका एक्स और वाई से डिस्टेंस। नेक्स्ट ये जो हॉल दिया है, हॉल का डायमीटर कितना देखने के लिए साइड में बॉक्स करके लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए हॉल आपका 7 mm, बी हॉल 4.8 mm, सी हॉल 3.6 mm, ये हो गया आपका विदाउट डायमेंशनिंग लाइन ड्राइंग। ये एक टाइप का है। दूसरा टाइप का कैसे रहता है, ट्रबुलर फॉर्म। यहाँ पे भी सेम आपका एक बॉक्स में बहुत सारा हॉल्स दिया है, हॉल का जो कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद टोटल जो डिस्टेंस उसका एक्स में आपका 45 वाई में 90 दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो हॉल B1 C1 C3 C4 ये सब दिया है, वो हॉल्स और उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है क्या उसका साइज और क्वांटिटी कितना 1 2 3 4 ऐसा करके लिख दिया। बाद में उसका साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो हॉल फ्रॉम और एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे मान लो हॉल A1, हॉल A1 कहाँ पे, ये हमारा हॉल A1, उसका फॉर्म एक्स वाई जेड, एक्स से कितना रहेगा 38 डिस्टेंस रहेगा, वाई से 64 डिस्टेंस रहेगा और जेड उसका 18 mm। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो B4, ये हमारा B4 में एक्स में कितना डिस्टेंस रहेगा, एक्स में आपका रहेगा 11, वाई में 79 और जेड में कितना रहेगा थ्रो होल चाहिए। नेक्स्ट मान लो आपको C6 देखेंगे, C6 एक्स में कितना 11, वाई में 19 और जेड में आपका थ्रू होल दिया है। नेक्स्ट D1 देखेंगे, D1 एक्स में कितना रहेगा आपका 6 और वाई में 48, जेड में 12 mm डेप्थ रहेगा। कोई भी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में अगर इस तरह हॉल रहता है तो उसका डिस्टेंस ऐसे ही रहता है, अगर पूरा एरिया हम लिखेंगे तो ये ड्राइंग क्या होता है ना, मतलब अच्छा से दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये एक ट्रम्बुलर फॉर्म है, इस टाइप का भी ड्राइंग रहता है। तो आप कैसे रीड करेंगे उसको एक बार अच्छा तरह से देख लीजिए इस वीडियो को, अगर कुछ भी डाउट है तो। वीडियो का लिंक में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और अमेजिंग ज्ञान टेक को सब्सक्राइब करके रखना, आपका जितना भी डाउट है पूरा वीडियो आपको हमारा अमेजिंग ज्ञान टेक में मिल जाएगा।